हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज टू बीम्स ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन आर सीन थ्रू अ पोलराइड फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड बीम बी हैज जीरो इंटेंसिटी अ रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 डिग्रीज मेक्स द टू बीम्स अपीयरिंग इक्वली राइट. If the initial intensities of the two beams are IA and IB respectively, then IA by IB is equal to. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि initial case में क्या था, जब polarization seen from the polaroid A, ठीक है, वो क्या था, maximum intensity का था. उस case में polaroid B से जो beam B से निकल रही थी, ठीक है, that was of zero intensity. ठीक है, यानी कि अगर ये मेरा polaroid है कुछ इस तरह से, then एंड ये मेरा क्या है, एक्सिस है. ठीक है, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो कब होगी, मुझे मेलस लॉ से क्या पता है. मेलस लॉ टेल्स कि आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज आई वन आई. ठीक है, मतलब किसी भी पोलराइड से पास होने वाली लाइट की अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, दैट इज गिवन एज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, वन के इक्वल. एंड कॉस थीटा मेरा वन कब होता है, जब मेरा थीटा जीरो डिग्रीज होता है. ठीक है, इट जीरो डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पोलराइड. ठीक है, अब आई जो ए बीम ए है, दैट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम का मतलब है कि वो एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जीरो डिग्रीज का, यानी कि वो इस तरह से कुछ ट्रेवल कर रही है आई ए. ठीक है, ऑन द अदर हैंड बी जो है वो जीरो है. अब जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा मेरा क्या हो जाए, यानी कि कॉस के केस में थीटा मेरा क्या हो जाए, 90 डिग्रीज. ठीक है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा मेरा 90 हो जाता है. यानी कि अब बी जो है, बीम बी है, वो क्या कर रही है, एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रही है, यानी कि ये है मेरा आई बी. ठीक है, ये क्या है मेरा आई बी. ओके, ये कहाँ चल रही है, एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रही है. ठीक है, और ये मेरा क्या है, पोलराइड. तो ये तो मेरा इनिशियल केस था. ठीक है, बट जब ऐसा हुआ तब हमने क्या किया कि एक्सिस को, एक पोलराइड को या बोल सकते हैं, या एक्सिस को बोल सकते हैं, 30 डिग्रीज का रोटेशन दे दिया. ठीक है, क्या किया, 30 डिग्रीज का रोटेशन दिया. जब 30 डिग्रीज का रोटेशन दिया तो मेरा पोलराइड का एक्सिस क्या होगा, देखो पोलराइड तो सर्कल वो तो सेम रहेगा, चेंज क्या होता है 30 डिग्रीज का रोटेशन देने पे, दैट इज द एक्सिस. एक्सिस कुछ इस तरह से चेंज हो गई. ठीक है, अब जो मेरा आई ए था, इंटेंसिटी फ्रॉम बीम ए वो थी इस तरफ. ठीक है, एंड आई बी मेरा था इस तरफ. अब ये एंगल कितना हो गया, ये तो हो गया मेरा 30 डिग्रीज, बिकॉज मैंने देखो मैंने हॉरिजॉन्टल से एक्सिस को 30 डिग्रीज रोटेट किया, इट मींस कि ये एंगल 30 हो जाएगा. अब अगर ये 30 है तो ये एंगल मेरा कितना होगा, दिस विल बी 60 डिग्रीज. ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा. अब मुझे आई ए और आई बी की वैल्यू निकालनी है, तो आई ए क्या होगा, आई ए डैश अगर लिखता हूं, या आई ए डैश अगर लिखें, तो आई ए डैश इज इक्वल टू आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज. ठीक है, सिमिलरली आई बी डैश अगर कैसे लिखेंगे, आई बी डैश विल बी इक्वल टू आई बी, अब यहाँ पे एंगल कितना है, कॉस 60 डिग्रीज, कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज. ठीक है, तो मेरा जो आई ए है, ठीक है, मेरा आई ए एंड आई बी मेरा क्या है, इक्वल है, अपीयर्स इक्वली ब्राइट. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि टू बीम्स अपीयर इक्वली ब्राइट. इक्वली ब्राइट अपीयर होने का मतलब है, तो ब्राइटनेस किससे रिलेट करती है, रिलेट्स विद इंटेंसिटी. ठीक है, यानी अगर इक्वल ब्राइट है, इट मींस कि इंटेंसिटी इक्वल है, यानी कि आई ए डैश इज इक्वल टू आई बी डैश. ठीक है, आई ए डैश इज इक्वल टू आई बी डैश. तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, दिस विल बी आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज. ठीक है, तो यहां से आई ए बाय आई बी विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. कॉस 60 क्या था, 1/2, यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, देखो कॉस 30 क्या होता है मेरा, अंडर रूट 3/2 स्क्वायर किया, ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 4/3. ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, दिस विल बी 1/3. तो रेशियो क्या आ जाएगा दोनों का, 1/3. तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.